दस्टोन से लौटकर आ रहे बाइक सवार की बाइक फिसली, एक गंभीर घायल ग्वालियर रेफर। शिवपुरी के जिला अस्पताल में दो लोगों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है, जहां एक और को गंभीर हालत देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया है और दूसरे का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार श्याम लोधी पुत्र कैलाश लोधी उम्र 27 साल निवासी ग्राम सिरसा थाना पिछौर अपने रिश्तेदार हर्षित लोधी के साथ नयाखेड़ा में मामा के यहाँ दस्टोन में शामिल होने के लिए गए थे। तभी नयाखेड़ा से अपने गाँव सिरसा वापस लौट रहे थे। भोंती थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पुलिया के पास बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे घटना घटित हो गई और दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद उन्होंने अपने रिश्तेदार को फोन किया, जहां रिश्तेदारों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हर्षित लोधी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया है, जहां श्याम लोधी का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। क्या नाम है आप? राजकुमार जी। हमारे सभी साहब सभी सभी सगे। क्या नाम है इनका? इनका श्याम। कहां रहते हैं? सिरसा। सिरसा कहां पड़ता है? पिछोर के पास। ये कैसे एक्सीडेंट हो गया इनका? सर श्याम की इनकी बाइक से एक श्याम फिसल गया। फिसल गई? किस जगह पे? कहाँ पे? मोती के पास एक पुलिया है। इस पुलिया अकेले थे? हाँ, नहीं, एक और थे। एक और थे, एक और थे। दोनों को चोट आई? हाँ, दोनों को चोट आई है। वो ग्वालियर रेफर हो गए और ये यहाँ पे। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? ये अपने घर जा रहे थे, नयाखेड़ा से। नयाखेड़ा एक प्रोग्राम था, वहाँ प्रोग्राम में से सिरसा के लिए जा रहे थे। क्या प्रोग्राम से जा रहे थे? सर कोई डस्टोन वगैरह ऐसे प्रोग्राम था। डस्टोन में? हाँ। एक और साथ में कौन था इनके? उनका तो नाम नहीं आता सर। एक्चुअली सर इन्हीं के परिवार में से थे, रिश्तेदारी थे। हाँ। तो कितनी के चोट आई है इनके यहाँ पे और उनके यहाँ पे? इनको भी सिर में चोट आई है और सर उनको ज़्यादा आई है, तो उनके लिए एडमिट करने के लिए रेफर ग्वालियर कर दिया है। तो आप लोगों को सूचना कैसे मिली इनकी? सर क्योंकि इनका फ़ोन आया हमारे पास।